जय हिंद दोस्तों। आज फिर पटियाला के गांव शाहपुर में राजवीर डेयरी फार्म पर। पिछले एपिसोड में हमने आपको पूरा व्यू दिखाया था और आज कुछ हिस्सा रह गया था जिसमें छोटी बछिया जो साल से कम है, 6 महीने के, और दूसरी जो है 1 साल की हैं और प्रेग्नेंट हैं, उसका आप दिखा रहे हैं। देखना कैसी बछिया हैं और क्या उनकी कीमत हो सकती है, क्या दूध देंगी। सबको सेक्सुअल सीमन लगे हैं, इन्होंने हमको बताया है। तो आइए खुल के बात करते हैं इनसे। राजवीर जी, पहले आपने वो दिखाई थी मैं छोटी जो थी बछिया थी, अब ये ज्यादा उम्र की है। हाँ जी, ये प्रेग्नेंट हीफर है सारी। बिल्कुल सर। कितनी कितनी देर की? ये 2 से 3 महीने की। 2 से 3 महीने? 3 महीने की ये प्रेग्नेंट है सर। तो इनकी इनकी सारी की माँ का रिकॉर्ड है दर्ज? हाँ जी बिल्कुल सर, इनकी मदर का, इनकी ग्रैंड मदर, सब इनका सबका रिकॉर्ड है सर। सबको सेक्सुअल सीमन लगा? सबको सेक्सुअल लगा सर। सबको एक ही लगा है? नहीं, जैसे हम देखते हैं इनब्रीडिंग बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वैसे मैग्नम कैस्कड वगैरह इनके सीमन लगे हैं वर्ल्ड वाइड। हरमन, ये इनका जो पीरियड होता है, जैसे आपने इनको एआई करवानी है, तो किस महीने में ज्यादा करवाते हैं? सर हम 10वें और 11वें महीने में, अगर जितने भी हो जाए। उसका क्या बेनिफिट है? उसका एक तो सक्सेस रेट बहुत ज्यादा आ जाता है, टेम्परेचर का हिसाब भी इनपे बहुत काम करता है, और दूसरा होता है सर वो आगे उनकी काबिंग सही टाइम में हो जाती है, और जो हमें काम मिलता है उसकी आगे ग्रोथ, जब तक उसकी एआई होगी उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो जाती है। अच्छा, तो इनके मिलके क्या उम्मीद करते हैं आप इनसे? सब हम इसके इन सबको 45+ तो मानती हैं, मान के चलिए कि कम से कम इतनी तो चाहिए ही। कितना समय बताया आपने इनका एआई का? सर इनका हो गया है 2.5-3 महीने। तो ये सब आपके यहाँ की हैं या कुछ फीस के भी हैं? नहीं नहीं बिल्कुल सर, ये सभी हमारी अपनी हैं। तो वही एक पुरानी बात, कोई लेना चाहे तो कितने की दे देंगे? सर इनका तो देखो हम देते ही नहीं है, पहले तो हम हीफर और काफ की तो हम इतने ज्यादा मतलब स्ट्रिक्टली चल रहे हैं इनके हिसाब से, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है सर। अच्छा। ये हमारा फ्यूचर है। ठीक है, तो फिर बाकी वो इनका डिपार्टमेंट है, अगर देना चाहे तो क्या करेंगे? एडवाइज तो करेंगे ना, एडवाइज तो कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी सर बिल्कुल। कितने की हो जाएगी? सर देखो, पहले तो ये सारी मेहनत है, जितने सालों की मेहनत होती है, इनको कभी सोचा ही नहीं है कि किसी को हीपर देना है। अगर कोई ज्यादा ही कोई रिश्तेदार का प्रेशर, कोई फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, कोई सर बोल दे हमें भी, हाँ हमारा कोई फ्रेंड है उसको चाहिए जा, फिर हमें सोचना पड़ता है। जैसे वो कहते हैं ना कि जमीन जो है वो किसान का आभूषण है। बिल्कुल, तो ऐसे ही ये आपके आभूषण। तो ये बछिया, हाँ जी, कितनी उम्र की है ये? जी सर 6 मंथ तक है, 4 मंथ से लेकर 6 मंथ तक। अच्छा, कितनी है ये? जी सर 9 है। इनकी एज का डिफरेंस कितना है? सर इनका 2 महीने का फर्क है, 4 मंथ की और 6 मंथ की बस। तो अब ये कब जो है इनको यही कराएंगे? सर 12 से 14 महीने के बीच में। कितना वजन होना चाहिए उसमें? सर उसमें वजन हम माने तो हम 3.5 क्विंटल से ऊपर रखते हैं, प्लस होता है। अगर जैसे कम अगर रखें 2 क्विंटल वगैरह तो कैसे क्या रहता है सर उसका आगे? आगे हमें पूरे की पूरी जो हमें वो साथ ग्रोथ भी मान लो, और जो मिल्किंग है उसकी वो कभी भी पीक पे नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी, मतलब उसका ये अंजाम होगा। बिल्कुल, हमें हमारे पास 7 सुए दे जाए, 8 दे जाए, हम उसके वो पीक कभी नहीं ले पाएंगे जो उसने देना था, अगर हम उसका वेट 3-4.5 तक लेके जाते। अच्छा, अगर जैसे कोई लेना चाहे तो कितने की देंगे फिर आप? ये तो सर उनका डिपार्टमेंट है, इनका डिपार्टमेंट। वैसे तो सर जो काफ है इसका कोई मूल नहीं, क्योंकि जे सारे सालों की मेहनत। किसी को कामयाब करना है तो उसको कितने की दोगे सर? कीमत नहीं है, दोस्त को वैसे ही दे देंगे गिफ्ट। गिफ्ट का तो बिल्कुल सर, कुछ दाम अगर जैसे कोई देना ही चाहे तो? सर दाम तो चलो ठीक है, वैसे तो बर्थ टाइम हमारी 40 से 50 हजार। 40 से 50 हजार बर्थ टाइम। अच्छा, क्या मिल्किंग का क्या रहेगा इनका हिसाब? मिल्किंग का सर 40+ होगी। 40+ सारी 40+ होगी।
आराम से सर, क्योंकि इनकी जो मदर है 40 तो वो चल रही है। अच्छा। इनकी मदर भी हीफर हैं जो वो चल रही है हमारे पास। अच्छा, हम इन ब्रीडिंग से ग्रेज क्यों करते हैं? वो कहते हैं वो सीमन जैसे वो ही लगाता है। सर इन ब्रीडिंग का बोलते हैं कि आगे उनको कंसीविंग में प्रॉब्लम आती है, मिल्किंग में भी प्रॉब्लम आती है। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मुझसे भी हो गई थी कई बार, इतनों में नहीं पता चलता, खुद से इनब्रीडिंग हुई। तो वो हमारे फीमेल काफ थी और वो दूसरे दिन ही उसकी डेथ हो गई। हेल्दी काफ थी और बिल्कुल नॉर्मल काविंग थी और उसकी डेथ हो गई सेकेंड डे। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई, किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।